अभी जो आदेश निकला है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की जो मंशा थी उसको डीजी पुलिस जो अभी जो जिन्होंने चार्ज लिया है उन्होंने जो है इसलिए निकाल दिया होगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट आदेश है उसकी हम पालना करवा दें बस, और कोई मकसद नहीं। सरकार का इंटरेस्ट वही जो पहले था और अधिक मजबूती के साथ में छापे पड़ेंगे राजस्थान के अंदर। भ्रष्टाचारियों की पहचान एक समय तक अगर उसको सजा दिलाने के लिए और जांच में सहयोग के लिए छुपाना चाहिए तो एक अलग बात है, लेकिन अंततः अगर यह विषय नहीं है कि जांच उसकी पहचान छुपानी चाहिए तो बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए, समाज के सामने और कानून के सामने उसके चेहरे आने ही आने चाहिए। देखिए एक बात आप मानकर चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आदेश वो होता है सरकार की तरफ से जो पीएम और सीएम जारी करते हैं। मेरा ये मानना है कल एक डीजी ने राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो का चार्ज लिया और चार्ज आती जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर निकाला वो ऑर्डर तो रिजेक्ट होने वाला ही है। मैं कह रहा हूं आपसे मैं सहमत नहीं हूं, कोई भी राजस्थान में कांग्रेस का विधायक कोई भी मिनिस्टर इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको लगता है इस तरह के डीजी के ऑर्डर को मान लेंगे? सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है। ये ऑर्डर निकाला गया है, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं इस देश में इनकम टैक्स की और जीएसटी की कार्रवाई होती है। बड़े बड़े व्यापारी जो टैक्स देते हैं उनकी फोटो उनके नाम चला के हाईलाइट किए जाते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां कार्रवाई करती है, बड़े बड़े नेताओं के यहां पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहां पर जो हजारों करोड़ रुपए अपना टैक्स देते हैं उनके नाम छापे। मैं सोचता हूं कि उसमें उन भ्रष्टाचारियों को एक तरह से संरक्षण देने का ही काम किया, क्योंकि भ्रष्टाचारी को जब टैप में पकड़ा जाता है तो सारे एविडेंस मौके के होते हैं। पूरी कार्रवाई करने के पहले उसकी स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, लंबे समय तक उसका पीछा होता है, फिर जिस समय वो पैसे देता है उस समय एसीबी जाकर के उसको ट्रैप करते हैं। ऐसे केस में भी अगर अभियुक्त का नाम और फोटो ना आएगा तो समाज में उसके प्रति कैसे घृणा पैदा होगी। एसीबी ने कल जो जारी किया कि अब भ्रष्टाचारियों के जो ट्रैप किए जाएंगे उनकी फोटो और नाम जगजाहिर नहीं किए जाएंगे, सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो लोग अपराधी हैं भ्रष्ट हैं, ये तो कहा जाता है कि अपराधी को समाज के समक्ष लाओ, वो शर्मिंदा भी हो उसकी मानहानि भी हो, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस तरीके के तुगलकी फरमान से तो लगता है कि जो भ्रष्टाचारी जो अपराधी बेनकाब होना चाहिए, कांग्रेस उनको बापरदा करना चाहती है। मैं स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर में एक एंटी करप्शन ब्यूरो का ऐसा आदेश जिसको लेकर के सियासी गलियारों में तो हलचल है, यूं भी चाहे सचिवालय हो चाहे आम जन हो सबके बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये आदेश के मायने क्या है, क्यों ऐसा आदेश निकाला। सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ने भी कह चुके हैं कि मैं जब जयपुर पहुंचूंगा तो इस आदेश की समीक्षा करूंगा और उसके बाद कुछ कह पाऊंगा। किन परिस्थितियों में निकाला गया, क्यों निकाला गया, उनका विभाग है वैसे वो। मंत्रियों का कहना है कि बिल्कुल अगर कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उसे बेनकाब करना चाहिए। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि क्या ऐसा कहीं किसी राज्य में है, सीबीआई क्या कहती है और जांच एजेंसियां क्या कहती हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात यह रही कि जांच एजेंसियों के प्रमुखों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जयपुर आए, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर कोई रंगे हाथों रिश्वतखोर पकड़ा जाता है तो उसे बिल्कुल पब्लिकली लेके आना चाहिए, मैं इस बात के पक्ष में हूं, उन्हें क्यों दबाया जाना चाहिए। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एके जैन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं,
हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा, कहीं कोर्ट की रूलिंग या कहीं पर कुछ इस तरह की बातें हैं, क्योंकि मानवाधिकार से जोड़ा जा रहा है कि उनका समाज में कल को अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं तो समाज में एक अलग तरह का मैसेज जाता है। कुछ लोगों का यह मानना होता है कि कई बार लोग अपनी इज्जत पर जब इस तरह की बात आती है तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई दूसरा कदम उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा कहीं पे है किसी राज्य में या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के उसमें कि हाँ बिल्कुल जो आरोपी है उसको नहीं दिखाया जाना चाहिए? देखिए, ये जो मामला है इतना आसान नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई बार मामला गया, विभिन्न हाई कोर्ट्स ने भी इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस दिए हैं। ये मामला है आर्टिकल 19 के अधीन जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता पुलिस को है, वही स्वतंत्रता आम आदमी को है, और आर्टिकल 21 के तहत जो जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, उसके बीच की क्या बैलेंस रखा जाए। कई बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक मामला लंबित है, उसमें जस्टिस RM लोढ़ा साहब ने कहा था कि उस टाइम जो किसी भी लोगों को टेररिस्ट या नक्सलाइट्स बताकर गिरफ्तार कर लेते थे, एनकाउंटर किया जाता था और उनको गिरफ्तारी करके ऐसे प्रदर्शित किया जाता था जैसे हमने बहुत बड़े कुछ वो पकड़ लिए। उस मामले में जस्टिस RM लोढ़ा साहब जब चीफ जस्टिस थे, जब केस उनके सामने लगा तो उन्होंने कहा स्टॉप परेडिंग दीज पीपल्स। इस तरह की खबरें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कितना छापे कितना बताए इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। 2017 में वो पुणे जब मामला लग गया तब हाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया को, CBI को और साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ही निर्देश दिए कि भाई आप डायरेक्शंस एक लिमिटेशंस वो लेकर आइए कि किस लेवल तक पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान की कार्रवाई को या अपराधियों के बारे में पुलिस को जनता को बताएंगी या प्रेस रिलीज जारी करेंगी। एक दो फर्क है, एक तो जो न्यूज मीडिया में खबर आती है वो अलग चीज है, क्योंकि मीडिया के किसी व्यक्ति ने अगर कोई खबर छापी है तो डिफेमेशन के लॉ के तहत अगर कोई गलत किया तो उसकी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है, और एक सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी करना। यहाँ मामला सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी करने के मामले में, इसका लेटेस्ट मामला अभी देवंगना कलिता का मामला है जो पिंजरा तोड़ ग्रुप के नाम से, जिनके बारे में जब बहुत ज्यादा छापा गया जब उसमें गए तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ एक लेवल होना चाहिए, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर रोक लगाई थी कि नाउ स्टॉप द प्रेस ब्रीफिंग्स, नाउ स्टॉप द प्रेस ब्रीफिंग इन दिस मैटर में। ऊपर वो गाइडलाइंस अभी तक नहीं बनी, अभी लेटेस्ट जजमेंट 2021 का है, मतलब अभी चल रहा है मामला मोहम्मद अब्दुल खलील वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें अंडमान निकोबार के DGP पर आरोप लगे थे या किसी में हो सकता है कोई दूसरी स्टेट हो, पर वहां पर एक वीडियो जाहिर किया था, एक लेडी ने सुसाइड कर लिया था और उसके हैरेसमेंट का आरोप था, तो उस मामले में कहा कि मीडिया सोशल मीडिया रिलीज जो प्रेस के पुलिस करती है उसकी क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए, उसमें रोक लगाई थी और उन्होंने कहे थे कि ऐसी चीजें जो एक्यूज की फैमिली को अफेक्ट करती हो, जहां एक्यूज महिला हो या बच्चे हो, तो उस मामलों में आप इस तरह से पहले दिन ही यानी बिना ट्रायल के ही उसे नहीं कर दे। एक मामले में कोर्ट ने कहा था कि आप अब जो आगे रिलीज करें वो चार्ज लगने के बाद या कोर्ट में चालान होने करने के बाद। अब ये जो ऑर्डर निकाला है, एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाल दिया कि जब तक मुलजिम दोष सिद्ध नहीं हो तब तक उसका नाम नहीं छापा जाए। हालांकि हो सकता है इसके पीछे इंटेंशन ये नहीं हो, इंटेंशन जो सुप्रीम क्योंकि CBI के अंदर भी एक डायरेक्शन है कि वो DA के केसेज में या कई केसेज में कि वो कितना रिलीज करें प्रेस को, इनके बारे में उनकी इंटरनल पॉलिसी एक लिमिट तय की, एक लिमिट तय की। तो यहाँ भी एक रिलीज में ये डायरेक्शंस तय करनी चाहिए किन मामलों में छाप दिया जाए और किन मामलों में कितना, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट होता है, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद ही जो रेप केसेस के विक्टिम या फिर वो विक्टिम्स को लेकर को लेकर के जो दिया गया है उसमें भी है, पर एक्यूज के भी जो राइट्स हैं वो एक लेवल तक आपको कि निश्चित रूप से जनता को भी राइट है अपराधियों के बारे में जानने का,
परंतु साथ में अब मुलजिम का भी ये राइट है कि उसको, क्योंकि एक मामला बाद में झूठा, एक बड़ा फेमस केस है जो आंध्र प्रदेश का केस है, जहां पर हैदराबाद अड्डे पर इनकम टैक्स से एक बहुत बड़े व्यापारी को लाखों रुपए के साथ पकड़ा और इतना बड़ा केस बना दिया कि जैसे बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का हमने केस पड़ा एंड प्रेस रिलीज जारी किए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले दिन ही उसको सारे अखबारों में फोटो छाप दिए बड़े बड़े प्रेस, बाद में पता लगा कि ये तो बिल्कुल अपनी जेनाइन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वहां की प्रॉपर्टी बेच के ये पैसे ला रहे थे जो अकाउंटेड फॉर सारी मनी है। ये मतलब राजन चेलुंगप्पा के नाम से 2010 का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाउ द इनकम टैक्स को माफी मांगे और इनकम टैक्स इसमें एफिडेविट दे एंड फ्यूचर में आप पॉलिसी बनाए कि इस तरह से किसी भी आदमी को इतनी जल्दी मेलाइन न करें। परंतु अभी तक क्योंकि डिफरेंट, क्योंकि एक बैलेंस का मामला लॉ नहीं है और इस पॉइंट पे कोई गाइडलाइंस भी तय नहीं है, तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर जो निकाला गया उस लेवल तक तो ये गलत है। हाँ। परंतु एक बैलेंस जरूरी है क्योंकि इसमें कि किस लेवल पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस अथॉरिटी प्रेस रिलीज जारी करें। बिल्कुल ठीक है। सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजन जी, क्या लगता आपको इस केस को लेकर के, क्योंकि आप तो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं? ऐसा योगेंद्र जी, सवाल ये है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वो एक तरह से हमारी जनता का सेवक है, उसको जो भी सैलरी है उसको और जो भी सुविधाएं हैं वो सब जनता के टैक्स से इकट्ठे हुए पैसों से मिलती है, वो पूरी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायी है। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है जो कि अनैतिक है और आपराधिक कानून के तहत दंडनीय अपराध है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम उसका बचाव करें, क्योंकि यहाँ उसकी दोहरी जिम्मेदारी है कि वो एक सरकार का नौकर है और उसके बाद में अगर वो भ्रष्टाचार करता है और अगर उसको एक सरकार की एजेंसी पकड़ती है और रंगे हाथ पकड़ती है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक कोई रवैया होना नहीं चाहिए। समाज में इस तरह की धारणा, सब लोग ये मानते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, उनका समाज में चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी कोई आदेश निकला है उसके ऊपर पुनर्विचार आवश्यक है, क्योंकि जितने भी ऐसे मामले जिनमें रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं उनके बारे में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि ये इस तरह के भ्रष्ट लोग हैं और इन्होंने जो भी पैसा जिस तरह से अर्जित किया है वो इस डिपार्टमेंट में रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए एकत्र किया है। तो इसमें सरकार का भी दूसरा पक्ष है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है और उनका हमेशा भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करने की बात वो हमेशा कहते हैं। तो जब अगर हम भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना हर व्यक्ति का दायित्व है, सरकार का तो है ही है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो इन भ्रष्ट लोगों से लड़े, क्योंकि आज देश में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार की है, सरकारी विभागों में फैले हुए की। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, अब तो एक तरह से ये रस्म और रिवाज हो गया है, इसको शिष्टाचार बोलने लग गए कि बिना पैसे लिए दिए काम हो ही नहीं रहा है। गरीब आदमी जिसके पास सिफारिश नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, तो आपको लगता है सर वो पूरी तरह से जी वो आपको लगता है कि इसकी समीक्षा करके इसे या तो निश्चित किया जाए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होके और इसको फिर से ये जो आदेश है जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बुधवार को निकाला है इसको वापस लेना चाहिए। चलिए मैं प्रतीक सिंह जी आपके पास आना चाहूं, गुलाबचंद कटारिया हो चाहे सतीश पूनिया या रामलाल, उनका ये कहना है कि पहले तो अभियोजन स्वीकृति नहीं और अब भ्रष्ट जो लोग हैं उन्हें बचाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है सरकार की ओर पे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं जयपुर जाके इसकी समीक्षा करूंगा, लेकिन विपक्ष हमलावर है इस बात को लेकर के इस आदेश के बाद। देखिए 2018 दिसंबर में जब हमारी सरकार बनी तब से लेकर के आज तक जो मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार का जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए हमारा हमेशा से रहा है। अब अभियोजन की अगर आप बात करेंगे तो 2015, 16, 17 के आप मामले उठा के देख लीजिए, उससे डबल से ज्यादा के हमने अभियोजन की स्वीकृति दी है। और मुख्यमंत्री जी आज बोल चुके हैं अगर उसके अंदर कोई कमी है, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया है या ऐसा देखने में आया फौरी तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस के तहत वो नोटिफिकेशन निकाला गया है। मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं अगर वो
वेरिफिकेशन को चेक करा लेंगे, जुडिशरी का अगर उसमें नहीं है इन्वॉल्वमेंट तो उसको वापस ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वापस ले लिया जाएगा, अगर जरूरी नहीं है तो वापस ले लिया जाएगा। भ्रष्टाचार को राजस्थान में किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार में होगी। जी जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा, आपको लगता है कि धीरे धीरे, चलिए तो पब्लिक में आना, फिर बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पिछली बार वसुंधरा जी ने भी किसी तरह का एक सर्कुलर जिसको रूल बनाने की भी एक कवायद शुरू की थी, अब ये आदेश है। मैंने पब्लिक से बहुत सारे लोगों से बात की, उनका साफ कहना है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये आरोप नहीं लगाते, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कई लोगों को, बड़ी रोचक बातें हैं जो चौराहे पे लोग कहते हैं कि हमने दो सज्जन मुझे मिले, एक जोरी बाजार के रहने वाले, एक ब्रह्मपुरी के, उनका कहना है कि साहब आप क्या बात करेंगे, हमारे खुद के परिचित चार लोगों करप्शन के मामले में उनके सवामणियों में जीमे हैं, बाद में ट्रैप हुए जब तो ये स्थिति बनी और ब्याज से पैसे मिले उनको और निकल करके चले गए, ट्रैप में पकड़े गए वो। तो लोगों में ये मानना है कि जिस दिन तक वो अखबार में आती है या चैनल्स पे चलती हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये, कम से कम एक ये तो होता है कि समाज के अंदर जो रंगे हाथ लेके जाते हैं, अब तो देखिए आय से अधिक संपत्ति के इनके मामले कितने से बन पाते हैं, वो एक अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है, उसमें तो होती नहीं है बहुत ज़्यादा, कौन हाईलाइट हो गया, किसको कौन पकड़ा गया, जबकि एक अधिकार है ये ACB को कि वो आय से अधिक संपत्ति जिसकी भी हो लोक सेवक की, उस पर कार्रवाई सीधी कर सकती है, करते भी हैं। तो उस दृष्टि से हम देख सकते हैं इस पब्लिक के नज़रिए से। देखिए आप, पहली चीज़ तो जो आप कह रहे हो कि पिछली गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाला था, गैग ऑर्डर जिसको निकाला था, जिसमें कहा था कि नाम ही नहीं छापे जाए किसी भी अपराधी के बिना परमिशन के, बिना परमिशन के बिना, और उसको एक ऑर्डर लॉ बनाया था, तो उसको हमने ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी सबसे पहले, और उसके बाद सरकार ने उसको वापस भी ले लिया था, पर वो एक जनरल ऑर्डर था, एक वो ऑर्डर क्या था, एक लॉ था जिसमें प्रेस पर, मीडिया पर, सभी पर रोक लगा दी गई थी कि वो किसी भी मुलजिम का नाम ही नहीं छापे जब तक कि कोर्ट में उस पर कार्रवाई शुरू ना हो जाए या जो भी कार्रवाई हो, जिसे गैग ऑर्डर कर दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के भी विपरीत है, MP लोहिया के जजमेंट में जब इसी तरह में मीडिया पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेयर रिपोर्टिंग करना ये मीडिया की जिम्मेदारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो, हम रोक नहीं लगा सकते, हम मान रहे हैं कि कई जगह मीडिया ट्रायल हो रही है, कई जगह गलत तरीके से किया, कई जगह इन्वेस्टिगेशन उसमें इंटर को प्रभावित किया जा रहा है, वह मीडिया ट्रायल की जा रही है, परंतु उस पर कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, पर ये मीडिया को ही देखना है कि वो फेयर और सही रिपोर्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स की या इन्वेस्टिगेशंस की करे। MP लोहिया का फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने रोक लगाने से जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे की रिपोर्टिंग पर भी या जो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है उस पर भी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और इसी लाइट में राजस्थान गवर्नमेंट ने भी उस जो पिछला ऑर्डर था, जो कोई ऑर्डर जारी किया गया था, कानून बनाया गया था, उस कानून को उन्होंने तो जो नोटिस जारी किया था उसको वापस ले लिया। परंतु वर्तमान एक सर्कुलर है, ये एक डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल सर्कुलर है कि आप प्रेस ब्रीफिंग नहीं करें, क्योंकि जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी इन दिनों रोज फोटो आ रहे थे, एक छोटे से मामले के भी फोटो आ रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है कि अगर वास्तव में जब आदमी ट्रैप हुआ है तो जनता को पता तो लगना चाहिए कि कोई आदमी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया। पर हर मामले में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस ऑर्डर में आपको नहीं लगता है कि अगर कोई रंगे हाथ ले रहा है तो ACB को खुद को अपनी जांच पे भरोसा नहीं है? निश्चित रूप से यही ऑर्डर क्या है कि जो गाइडलाइंस है उनको सही तरीके से इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। वैसे आप देखें CBI के प्रेस नोट्स, कभी रेयरली कोई प्रेस नोट CBI का आता है कि वो CBI भी वही काम करती है जो ACB कर रही है। पर बता सकते हैं कि CBI में कितने फोटो छाप रहे हैं, कितने लोगों को चाह रहे हैं कि आज फलाने आदमी को इतने रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। एक नॉर्मल जो FIR होती है उस तरह की रिलीज आती है कि CBI ने वहाँ फलाने जगह FIR दर्ज करके ये कार्रवाई की, और वो भी बड़ा एक सेलेक्टेड केसेज में आता है। क्योंकि और ये मुझे लगता है कि ये जो राजस्थान में ACB के ADG ने जो ऑर्डर निकाला ये शायद CBI से प्रेरित तो कहीं निकाला, पर इन्होंने एक जनरल ऑर्डर निकाल दिया, और ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता कि आप
पब्लिक को बताया ही नहीं कि हमने किस आदमी को पकड़ा है और क्यों पकड़ा है। आप परेड नहीं कर सकते जिस दिन फैसला आएगा उस दिन फिर आपको वापस देखे। मुझे नहीं लगता कि उसमें आप डेप्थ में देंगे वापस कि ये केस उस समय का था 10 साल पहले का और क्या डिस्पोजल नहीं जानने का आदमी को है जानने का आदमी का हक है। और इसलिए ये ऑर्डर जो है ये इतना ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं किया जा सकता था। इसमें आपको एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए थी किन मामलों को तो मैं आप प्रेस रिलीज जारी करें किन मामलों में प्रेस रिलीज जारी नहीं करें और कितना क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कितनी सूचना दी जाए इसकी एक सीमा रेखा खींचनी हो। किसी आदमी का चालान ही पेश नहीं हुआ चार्ज ही नहीं लगा उससे पहले आपने उसको बहुत बड़ा क्रिमिनल बना दिया या वो भी गलत है। परंतु किसी क्रिमिनल को ये इतना बड़ा कोई आपने ट्रैप कर लिया बड़े मुलजिम को पकड़ लिया और उसका नाम ही नहीं बताए ये भी गलत है। तो इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप गाइडलाइंस बना के लाइए कि कितनी प्रेस ब्रीफिंग्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वैसे तो इन्वेस्टिगेशन को आप सीक्रेट बताते हो किसी को बताते नहीं हो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रहे हैं किस गवाह के बयान लिए क्या बयान दिए और दूसरी तरफ आप सेलेक्टिव रिलीज करते हो तो ये रिलीज कितनी होनी चाहिए इसकी सीमा रेखा निर्धारित की जानी चाहिए। बिल्कुल तो आपको भी लगता है कि ऑर्डर की बजाय ये होना चाहिए कि हमें एक लिमिट तय कर सके वो होना चाहिए। लेकिन रंगे हाथ अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ACB को खुद को अपने इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि किसी का ऑडियो टेप आया किसी का क्या आया उसके आप इन्वेस्टिगेशन खुद भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है ये क्योंकि ACB के भी दो अधिकारी पहले पिछले दिनों पूर्व DG के वक्त पकड़े जा चुके हैं डिप्टी SP रैंक के अधिकारी जिनको ट्रैप किया गया कि मालूम चल रहा था कि वो तो खुद ही बाड़ी खेत को खा रही है। मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए दो बातें होती हैं कानून के भय की बात आती है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास वो चले आम पुलिस के लिए स्लोगन है राजस्थान पुलिस का। लेकिन यहाँ पे करप्ट जो लोग हैं जैसे आपने पहले भी कहा कि जैन साहब ने कहा शिष्टाचार बन गया करप्शन का इशू और लोग ये मान के चलते हैं कि सैलरी तो कुछ नहीं है ये तो आपको देना ही पड़ेगा। आप एक बड़ी रोचक सी बात है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में एक महिला अधिकारी जब पकड़ी जाती हैं तो हंसते हुए कहते हैं तो भगवान का प्रसाद आपको दे जाता है तो मना कैसे करें ये बन गया। लेकिन वो फोटो होता है और जब पता लगता है कि अखबारों में छपता है तो उससे मॉरल टूटता है दूसरे लोगों का कि यार ये नहीं करना चाहिए हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं कल को लोग देखेंगे बच्चों की मैरिज का भी टाइम आएगा वो उस नजरिए से लोग देखते हैं वो एक जब अंदर पीड़ा पहुंचती कि मैंने गलत किया उसका एहसास ही नहीं होगा। अब तो अगर आप इस ऑर्डर के जरिए तो कि ठीक है कहां गए किसी से पूछेंगे दिख नहीं रहे भाई साहब भाभी जी बहन जी भैया कोई जो भी पकड़ा जाएगा कि नहीं ठीक है वो ट्रिप पे गए गवर्नमेंट के टूर पे ये कह देंगे। योगेंद्र जी आप सही कह रहे हैं समाज में यश और अपयश दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हर व्यक्ति यश पाना चाहता है और यदि कोई समाज में गलत काम कर रहा है तो उसका अपयश भी होता है और अगर वो इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है तो अगर उसकी खबर समाचार पत्रों के जरिए समाज के लोगों को मिलती है तो निश्चित रूप से उसको ये सोचना पड़ रहा है कि आज मैंने ये गलत काम किया इससे आज मेरा अपयश फैला मेरे परिवार को पूरे समाज की नज़रों में गिरना पड़ा। तो एक ये बहुत बड़ा दबाव समाज में सरकारी नौकर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर काम करता है और अगर इसको हम रोक देंगे उनके नाम ही अगर नहीं आएंगे उनके फ़ोटो ही नहीं आएंगे भ्रष्ट लोगों के तो उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अदालतों में जैसी स्थिति है योगेंद्र जी आपसे हमारे से छिपी हुई नहीं है अदालतों में क्या हालात है जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है वो किस तरह से पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है। अब 10 साल के बाद में अगर कोई किसी को सज़ा मिलती है और सज़ा मिलने के बाद कोई मीडिया उसको कवर करे मैं नहीं समझता कि इस पर कोई ज़्यादा कोई ऐसी स्थिति बनती है। तो इस मामले में अगर कोई अपराधी इस तरह से भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो मैं तो समझता हूँ उसका पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जो अभी ये आदेश निकला है इसका एक कानूनी पहलू और है कि अगर ये आदेश लागू हो जाता है तो फिर दूसरे जो भारतीय दंड संहिता के अपराध हैं हत्या है बलात्कार है लूट है डकैती है वो अपराधी कहेंगे भाई हमारा भी पूरा ट्रायल होने दो हमारा ट्रायल हो जाएगा हमें सज़ा मिल जाएगी उस दिन के बाद आप हमारी अखबार में खबर छापना। जो आदमी सरकार के नौकर होके भ्रष्टाचार कर रहा है
उस पे तो आप रोक लगा रहे हो, उसके प्रचार प्रसार पे तो, और हम तो सरकार के तो कोई नौकर है नहीं, हमने भी वैसा ही क्राइम किया है जो आपके लॉ के अंदर जिसको प्रिस्क्राइब किया अपराध की श्रेणी में, तो हमारा तो आप अखबार में नाम दे रहे हो, हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो उसको भी रोका जाए। तो मैं समझता हूँ दूसरी श्रेणी फिर इस तरह की आएगी सामने, इसलिए ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी का एक नोटिफिकेशन है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को समीक्षा करके इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि अभियोजन स्वीकृति काफी, अभियोजन स्वीकृति की स्थितियां ये हैं अभी भी कि बहुत बड़ी पेंडेंसी है, कई बार इस मामले को उठाया जा चुका है, और केवल आप ही के वक्त की बात नहीं है, पहले भी स्थितियां रही हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि क्या है स्थिति, क्योंकि एजेंसी जितना काम करती है उसके बाद में जब स्वीकृति नहीं मिल पाती है तो बड़ी वो होता है कि क्यों नहीं दी जा रही है, लंबी लंबी पेंडेंसी है। तो क्या लगता है आपको कि आदेश की जगह तो गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए कि अभियोजन स्वीकृति में जल्दी करें? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन कल आया ईसीबी का, वो इंटरनल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, और वो भी सिर्फ इस पे है कि वो प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। अगर मीडिया उसमें कुछ छापती है, कोई व्यक्ति उस पर कुछ लिखता है, तो उस पर वो रोक नहीं है, वो कानून नहीं है। दूसरी बात, उस पर आज ही मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि उसको रिव्यू करा लेंगे, और अगर आवश्यक नहीं होगा तो उसको वापस ले लिया जाएगा। तो फिर से वो जो पहला प्रोसीजर जो पहले अपनाया जाता था, वो प्रेस ब्रीफिंग और वो सारा प्रोसीजर चालू हो जाएगा। तीसरी बात, आपकी जो पेंडेंसी की बात कर लूं मैं, तो अगर आप उठा के देखेंगे नंबर ऑफ केस के अभियोजन में कितनी स्वीकृति दी है, तो पिछली सरकार से इस सरकार में लगभग डबल मिली है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी काफी पेंडेंसी है, तो पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री जी ने जो चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, उनकी रिव्यू मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में उनको कहा था कि जल्द से जल्द आप अभियोजन की स्वीकृति अपने डिपार्टमेंट से दीजिए। तो हमारी जो जो सरकार की पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार को लेकर के, और भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने वालों को और भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा कांग्रेस की सरकार के अंदर। जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा, अभियोजन स्वीकृति को लेकर के कई बार ये बात आती है, मीडिया में भी आती है, चर्चाएं भी की जाती है, पूछा भी जाता है, हमारे यहाँ क्या सभी जगह की स्थितियां हैं ये, क्या वास्तव में इसके लिए भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए? देखिए, अभियोजन स्वीकृति का जो प्रावधान रखा गया है इसमें एंटी करप्शन एक्ट के अंदर, वो इसलिए रखा गया था कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रीली और फेयरली काम करें, और इसमें ये देखना था कि जब गवर्नमेंट प्राइमा फेसे सेटिस्फाई हो जाए कि कोई गलत तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रोसिक्यूशन सेंक्शन जारी करें। परंतु पुश एंड पुल्स और इसकी वजह से ऐसी स्थिति बन गई है कि प्रोसिक्यूशन सेंक्शन स्टेट में भी और सेंटर में भी लंबे समय तक अटकी रहती है अथवा नहीं दी जाती। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के भ्रष्टाचार में पकड़े गए आईएएस ऑफिसर, माइनिंग सेक्रेटरी और अभी जो बीकानेर के कमिश्नर हैं, उन सब लोगों को जमानत सिर्फ इसलिए मिली थी कि समय पर केंद्र सरकार ने उनकी प्रोसिक्यूशन सेंक्शन नहीं दी थी, डिले बाद में दी थी, सारी की सारी आई। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी प्रोसिक्यूशन सेंक्शन अटकी हुई है जिसको डिसाइड नहीं किया जा रहा है। तो प्रोसिक्यूशन सेंक्शन एक अजीब सा कानून और है कि अगर आप रिटायर हो गए तो फिर प्रोसिक्यूशन सेंक्शन की जरूरत ही नहीं रहती, अर्थात अगर वही गवर्नमेंट से मुकदमा दर्ज हुआ रिटायरमेंट से पहले, तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होते होते रिटायरमेंट के बाद आ गए और प्रोसिक्यूशन सेंक्शन की तब जरूरत नहीं है वगैरह। मैं एक ऐसा केस देख रहा हूँ जिसमें एक बहुत वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को मेन मुलजिम मानते हुए सीबीआई ने आरोपी बनाया और उनकी प्रोसिक्यूशन सेंक्शन नहीं मिली, और उसी के साथ कुछ छुटभई ऑफिसर थे जिनका कोई ज्यादा रोल नहीं था, पर वो बेचारे रिटायर हो गए थे, वो ट्रायल फेस कर रहे 10-10 साल बाद तक भी आज तक। तो ये प्रोसिक्यूशन सेंक्शन अपने आप में एक डिलेमा है और इसके लिए अब तक कोई डेफिनेट पॉलिसी नहीं है जो होनी चाहिए, आवश्यकता है। आई थिंक ऐसे ऑर्डर पे एक्सरसाइज की बजाय तो ये होना चाहिए कि जो करप्ट हैं उनके लिए कोई इस तरह का कानून और बने, ताकि अभियोजन स्वीकृति जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, उसमें सरकारें जल्दी दिखाएं, लेके आए, तो वास्तव में लगेगा कि हाँ करप्शन के खिलाफ सरकारों का मकसद क्या है। क्योंकि ये सवाल मेरा सिर्फ इस वजह से है कि सभी स्थितियां यही हैं सरकारों की, वो अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती, और जहां देनी होती है दी नहीं जाती, लंबे समय तक चलता रहता है, अटकता रहता है, फिर होता वही है कि जो ट्रैप कराने वाला है वो आखिर थक जाता है कि मैं कहां फंस गया करके, इससे बड़े तो पैसे दे के पिंड छोड़ाता।
तो चलिए खैर, हेमंत प्रियदर्शी साहब ने क्यों निकाला ये आदेश है, तो सीएम जब लौटेंगे जयपुर और उसके बाद में चर्चा होगी आपस में, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस आदेश को लेकर के ये जरूर है कि चर्चाएं काफी हैं, हालांकि मीडिया पे रोक नहीं है, लेकिन बस ये रोक इंटरनल है कि आप जानकारी नहीं देंगे। जानकारी नहीं देंगे तो मीडिया के पास में रिपोर्ट्स तो आती हैं, कहीं ना कहीं से किसी माध्यम से मिली जाएंगी, जिसको हम कहते हैं सूत्र। वो सूत्र जरूर अभी स्टैंड करेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मजमून एक ही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हमारे लॉयर साहब हो, सबका कहना है कि करप्ट कोई भी व्यक्ति हो, समाज में रहता है, तो वो बेगुनाह नहीं है। जो ट्रैप में पैसे लेते हुए दिखाए उसको बिल्कुल हाईलाइट किया जाना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट लोगों को अगर दिखाएंगे नहीं तो फिर गलत मैसेज जाएगा और इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उन लोगों के मंसूबे और फलते फूलते नजर आएंगे कि सबसे बड़ी पीड़ा क्या है उन लोगों को कि अखबार में आ जाएंगे, समाज में चले जाएंगे, उसके बाद में हमारी जो एक सामाजिक स्तर पर बदनामी होगी, अगर उससे भी उनको साफ कर दिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बढ़ती चली जाएगी, दुस्साहस बढ़ेगा इससे। खैर चले, सरकार अब क्या निकालती है वो देखने वाली बात होगी, कोशिश करेंगे, लेकिन हम आप तक जरूर उन तस्वीरों को पेश करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।